दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी एडिटिंग के ऐप के बारे में। जैसे कि दोस्तों पहले क्या होता था, लोग कोलाज बनाते थे, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपनी फोटो, एक फोटो में चार चार पांच फोटो अपनी मिक्स कर सकते हो। उसे कहते हैं ब्लेंड मेथड, जो आजकल काफ़ी यूज़ होता है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फोटो मिक्स हो जाती है। कोलाज में क्या होता है, बॉर्डर होते हैं वो दिख जाते हैं, लेकिन इसमें एकदम जो फोटो होती है वो बिल्कुल मैजिकल लगती है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐप ओपन करके दिखाता हूँ, सेटिंग आप ध्यान से समझ लीजिएगा और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिलते हैं अच्छे अच्छे। तो बैकग्राउंड ना लेके मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बैकग्राउंड लेता हूँ वाइट कलर का। तो मैं आपको एक एडिटिंग करके दिखा दे रहा हूँ बेसिक सी, आप इससे काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन फोटो लूँगा, तो बीच वाले ऑप्शन से आपको फ़ोटो चूज़ करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोटो ले लेते हैं, मैंने तीन एक ही सेलिब्रिटी की फ़ोटो ली है ताकि वो रियल और लगे। तो यहाँ पे मैं इसे कर लिया। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस उसकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि वो फ़ोटो पे कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैं जल्दी से एडिटिंग कर लेता हूँ। और एक बात और दोस्तों मैं बता दूंगा कि अगर आपकी फ़ोटो एक ही बैकग्राउंड की होगी, सिमिलर बैकग्राउंड की होगी, भले ही पोज अलग होंगे, तो वो और बेहतरीन एडिट होगी क्योंकि बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ओवरलैप नहीं होगा फोटो में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड वाइट था, इसका ब्लैक है, तो थोड़ा सा वियर्ड होता है। लेकिन जो है अभी मैं इसको बहुत ही अच्छा करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि तीसरा फोटो अभी मैं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप फोटो को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको टेढ़ा भी कर सकते हैं, या फिर आप जिस हिसाब से लगाना चाहें टिल्ट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज हो जाता है पूरा। और थर्ड ऑप्शन जैसा कि मैंने बताया, आप उसको कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस जैसे आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ और अपने हिसाब से अपनी फ़ोटो को एडजस्ट करो उस फ्रेम में। और यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन होता है, आप क्रॉप भी कर सकते हो। देखिए बेहतर तभी होता है कि जब आपकी फ़ोटो जो है, आपका बैकग्राउंड जो है ऊपर हिस्सा, आपके हेड वाला जहाँ पे आपका सर है उसके ऊपर और थोड़ी जगह होनी चाहिए फ़ोटो की, ताकि वहाँ पे जब आप ब्राइटनेस वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ऊपर से जो थोड़ा है वो ब्लर टाइप का, मतलब यहाँ पे हो जाता है, वो कम हिस्सा दिखता है। तो इनकी सारी फ़ोटो इसी तरह की थी, इसलिए थोड़ा सर का पार्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे वाइट दिख रहा है। तो जब भी आप फोटो खींचे तो आपके ऊपर हिस्सा जो है उसमें ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडिट हो जाता है, जैसे आप टिक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं इफेक्ट डालने के लिए। तो जैसा कि मैंने टिक दबाया, सेव पे क्लिक किया और ये फोटो सेव हो चुकी है। अभी मैं एक ऑप्शन और दिखाने वाला हूँ, इस फोटो एडिटिंग ऐप में और भी बेहतरीन फीचर है। तो मैं एक फोटो फिर से लेने वाला हूँ जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो इफेक्ट दिए हैं वो सारे इफेक्ट मैं यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इफेक्ट मैं कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं आप लोगों को, इफेक्ट मिलते हैं, ब्राइटनेस आप बढ़ा कम सकते हैं, ये तीनों फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं, सिंगल फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ऐप पसंद आई है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर की बिल्कुल फ्री ऐप है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।